हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट। देखते हैं इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है। कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो भी परचेजेस हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक वो है जो पिछले साल का हमारे पास क्लोजिंग था, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे परचेजेस जो भी हमने ख़रीदा है। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड टू परचेज दी रॉ मटेरियल, और उसको ख़रीदने के अंदर भी जो कॉस्ट आएगी उसको भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो क्लोजिंग होता है, जो अब अगले साल यूज़ होगा, इस साल यूज़ नहीं हो सका, उसको हमने माइनस कर दिया। हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये सारी मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आ गई। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हम पहले ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्टली लेबर काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट। फिर प्लस ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो भी हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं, हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हम वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे। वर्क इन प्रोसेस ऐड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को हम माइनस कर देंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड्स ऐड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा।